तो भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया वीडियो। तो आप इसे आंखें फाड़ फाड़ के और अच्छे से देखिएगा। आइए देखते हैं, बैठ कर मजा आएगा। आज हम चढ़ने वाले हैं थर्ड हिल, और थर्ड हिल में एक स्कोर आती है। हम उसे ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, आपने सोची ना होगी। ये किसका डायलॉग है और ये कैसी स्टाइल में बोला गया, आपको इसमें कमेंट भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने एक स्क्वाड उतरी थी, और स्क्वाड के बंदे कहाँ उतरे आपको पता है? देखो कहाँ उतरे। हल्का फुल्का डैमेज देने की कोशिश की थी, लेकिन निकल गया हाथ से। तो पर सामने एक बंदा दिखता है, कैसे मार। इनके एक बंदे को डाउन कर चुके थे, और दूसरा बंदे को भी डाउन करना बाकी था। देखिए कैसे डाउन करते हैं। अभी इनका तीसरा बंदे आने वाला है, और तीसरा बंदे को ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, आपने ये भी सोची ना होगी। तीसरे बंदे का फुस्ट आ रहा थे, मैंने यहाँ से थोड़ा कवर लिया हो। देखो मैं यहाँ पर 1v3 हो चुका है आसानी से, और अपने यहाँ पे 3 किल हो चुके हैं, लेकिन कैडी बढ़ाओ देते आते हैं। इस गेम में इतने बोट आए थे ना, इतने बोट आए थे, ये भी आपने सोची ना होगी। इनको फिनिश करते हैं और यहाँ से चलते हैं। ये मैंने सोचा था, लेकिन क्या होता है, मैंने सोचा था इनको फिनिश करके यहाँ से चलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और स्क्वाड आ जाती है। सामने आपको दिख रहा होगा एक बग्गी, मैंने इसको लेट कर स्प्रे मारने की कोशिश की, इसके एक दो गोली टच भी हुई। मैं इसे आखिर तक मारूंगा, आखिर तक, लेकिन बंदा मरता नहीं है यार। कितना डैमेज दूं आप भी बताओ। कि जैसे कि फिर से एक और केडी बढ़ाओ देवता मारते थे। अभी इसमें तीन बंदे, एक गाड़ी में तीन बंदे देखो आते हैं। देखो उन्हें गाड़ी से धुआं उड़ चुका था, उन्होंने गाड़ी का रुख मोड़ लिया, तो मुझे यहाँ से खिसकने में फ़ायदा लिखा, कि उनके पास, तीनों के पास थी शॉट गन, क्योंकि वो आए थे विस्टा से। वो अपने पास आते हैं, तब तक मैं तुम्हें एक शायरी सुनाता हूँ। किसी का विश्वास मत करो वो दोस्त है या दुश्मन, किसी का विश्वास मत करो वो दोस्त है या दुश्मन, सभी के मजे लो वो अपनी जेब हो या सामने वाले की दुल्हन। वाह वाह वाह। इसी के साथ सामने वाले बंदे भी आ चुके थे, ये गाड़ी दिख गई होगी, और एक बंदा भी। चलिए इन्हें कैसे मारते हैं देखिएगा। एक बंदे को डाउन कर चुके थे, दूसरे बंदे की खोपड़ी दिखी, मारने की कोशिश की लेकिन लगी नहीं। क्या करें, एम बोर्ड नहीं लगाते हैं ना, थोड़ा डैमेज देते हैं। तीसरे बंदे को भी डैमेज देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। अब मैं उनको चाहता तो उनके पास रस कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था उनके पास थी शॉट गन, देख लो तुम S12K के, तो कैसे करता। यहाँ पर मेरी बहुत फट्टी पड़ी थी, क्योंकि मैं खेला था और सामने वाले तीन बंदे। फिर भी मैं इन्हें कैसे मारता हूँ देखना। फोटो की कमी नहीं है, और केडी भी फुल दाब के पड़ी हुई है। यूएमपी की एमओ खत्म हो चुकी थी, तो हमने उसको सीधा पे S12 के उठा लिया। तो S12 की क्या जोड़ गन है तुम्हें पता है ना, इससे 1 HP में बंदा क्लच कर सकता है। तो मेरे तो HP है अभी 75 से ज़्यादा। तो चलिए सामने वाले बंदे को कैसे मारते हैं। सामने पुष्टे पा रहे थे, तीन एक बंदे एक ही साथ आ रहे थे, तो क्या करें, फिर छुपना पड़ता है यार। हॉस्टल के हो या कुछ भी हो, तुम्हें पता है RPG हो तब नहीं।
एक बंदे को डाउन करते हैं। एक बंदा नीचे कूद चुका था और दूसरा बंदा लेट गया, क्या कर रहा है? अभी मेरी हेल्थ इतनी नहीं थी कि मैं सामने वाले बंदे के साथ फाइट कर सकता था, क्योंकि उसके पास भी थी S12K और S12K में कितनी भी हेल्थ हो अधिकतर मर ही जाता है बंदा यार। अपने पास S12K हो तो कुछ नहीं, लेकिन सामने वाले पास S12K नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो इसको फिनिश करके मुझे यहाँ से खिसक लेने में फ़ायदा लगा, तो मैं यहाँ से खिसक गया। मैंने सोचा जब बंदे नीचे आएंगे तो मुझे आराम से मार देंगे, लेकिन अपने पास एमओ नहीं थी तो ये भी दिक्कत थी। तो फिर भी कैसे मारते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे एमओ ख़त्म हो चुकी थी। सामने वाले क्रेट में मेरे हिसाब से एमओ थी तो मैंने यहाँ से उठा ली, और पर इसमें एमओ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं उन दोनों बंदों को मार सकता हूँ। इसमें मात्र 39 एमओ थी, जिसमें से एक स्प्रे में मेरे को दो बंदों को मारना था। ये चैलेंज हो चुका था मेरे सामने, पर क्या करें, एक ही स्प्रे से दो बंदे मरते हैं क्या तुम्हें पता है? पबजी लाइट ऐसा गेम है, एक स्प्रे में दो बंदे नहीं मरते हैं, इसे कैसे मारते हैं देखना, पता नहीं चलेगा। बंदा मर चुका है, उसी के साथ 13 किल हो चुके हैं। मैंने सोचा ये क्या हो गया बे, जोन से तो नहीं मर गया बंदा, लेकिन जोन से नहीं मरा था, वो अपनी एमओ से ही मरा था। सामने एक बंदा था और सामने वो कब से कट कट ये कट 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 किए जा रहा था, मुझे लगा बोट है साला, लेकिन वो रियल बंदा निकला बे। देखते हैं कैसे मारते हैं सभी। इसी के साथ अपने 14 किल हो चुके थे और यहाँ पर रह चुका था एक बंदा। अब एक बंदे को मारने में इतने बड़े जोन में बहुत दिक्कत होती है, और मुझे दिख चुका था, लेकिन वो अभी उसके पास थी AWM और अपनी खोपड़ी दिखाई नहीं कि अपनी खोपड़ी फोड़ देगा वो, इसलिए मैंने यहाँ से भी भागने की कोशिश की। और मैं यहाँ से दौड़ता 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 स्केटिंग करता 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 कूदते पड़ते लंगड़ते यहाँ तक पहुँच गया, पर मुझे लग रहा था वो यहाँ पे सामने बंदा है, वो अपनी खोपड़ी फोड़ेगा ही फोड़ेगा, क्योंकि उसके पास है AWM और अपने पास है M4 और शॉर्ट गन। तो अब देखिए शॉर्ट गन तो तुम्हें पता है कहाँ चलती है, क्लोज रेंज में, और उसके पास है AWM जो कि लॉन्ग रेंज में चलने वाली गन है, और हम उससे बहुत दूर हैं तो आराम से मार देगा। और यहाँ पर मेरी एक गलती के कारण पूरा गेम चौपट हो जाता है, तो देखिए क्या गलती है मेरी। और इसी के साथ अपना कार्यक्रम समाप्त होता है।